गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलर डिजिट फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे जो कि 18, 24 एंड 32 सबसे डिवाइड हो सकता हो। तो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ ऑल दीज थ्री नंबर। एंड टू फाइंड आउट द LCM, वॉट वी विल डू, वी विल राइट 18, 24 एंड 32 इन ए लाइन एंड वी स्टार्ट टू डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट नंबर। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 2। सो वी स्टार्ट फर्स्ट विद 2। लेट्स फाइंड आउट वॉट विल बी द रिजल्ट। When we divide 18 with 2, what we get 9, because 2 9 is 18. When we divide 24 with 2, we get 12. And when we divide 32 with 2, we get 2 1 is 2 and 2 6 is 12. Now, again we repeat the 2, जब तक कि 2 नंबर से कोई भी ये जो आपके नंबर से डिवाइड होना बंद नहीं करते तब तक हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 9 2 से क्योंकि डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज़ लिख देंगे। 12 होता है 2 6 जा 12, 16 होता है 2 8 जा 16। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 बिकॉज नहीं होता है हम 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होना बंद नहीं होता, ध्यान रखिए आप 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 9 नहीं होता एज इट इज लिखेंगे, 3 नहीं होता एज इट इज लिखेंगे, 4 होता है 2। अब हम क्या करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 एज इट इज, 3 एज इट इज एंड 2 1 आ गया। हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है हर नंबर को 1 तक लेकर जाना। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आता है, 3। 3 3 जा 9 एंड यहाँ 1 आ गया, 2 हमारे 1 हो चुके हैं, 1 बचता है। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 यहाँ 1, तो अल्टीमेटली हमारे तीनों 1 हो गए हैं। अब ये जो LCM है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते चले जाएंगे। 2 2 2 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो इस तरह से ये आपका कितना आएगा, 282। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, बट ये कितना है, 1 2 3, ये कितना है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। हमें कितना लाना है, 4 डिजिट का। तो अब हम देखेंगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 डिजिट का नंबर आता है, 3 से करेंगे तो भी 3 का आ रहा है। देखिए मैंने 3 से करके भी दिखाया, 3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 288 को तो 864 आता है। तो ये भी आपका 4 डिजिट नहीं है क्योंकि इसमें भी कितने डिजिट है, 1 2 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 288 को क्या आता है, 1152। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने क्यों किया इसे 4 से मल्टीप्लाई, हमने इसे 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे आंसर में हमसे मांगा गया था कि वो नंबर 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।